बिहार के गया जिले के शेरघाटी आमस प्रखंड के हमजापुर में अजीबोगरीब नजारा देखने को मिल रहा है। 80 साल के बुजुर्ग ने 25 साल की युवती से रचाया विवाह। आपको बताते चले कि 80 साल के बुजुर्ग से पत्रकारों ने बातचीत किया। बुजुर्ग ने कहा कि मुझे शादी करने की सख्त जरूरत पड़ गई है, इसीलिए मुझे शादी करना पड़ा। 80 साल के बुजुर्ग का नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह नूरानी है और जिसे इन्होंने शादी रचाई है उस लड़की का नाम रेशमा परवीन है। रेशमा परवीन आमस प्रखंड के हमजापुर वार्ड नंबर 11 के इस्लाम नगर की रहने वाली है और 80 साल के बुजुर्ग पैदा गांव के रहने वाले हैं। दोनों लोग अपनी मर्जी से शादी रचाए हैं। अब आपको सोचना होगा कि 80 साल के बुजुर्ग ने 25 साल की युवती से क्यों शादी रचाई। आइए बात करते हैं इन बुजुर्ग से, इनको शादी की जरूरत क्यों पड़ी। आपको इस उम्र में शादी करने का क्या जरूरत पड़ा? हाँ पड़ा, छोड़िए बोलिए, करना करो ना। आप ही से पूछ रहे हैं? कोई चीज पूछने वाला ना है। क्या जरूरत है घर में काम करने? बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। अच्छा अच्छा, चलिए। कितना उम्र हुआ होगा आपका? 50। चलिए चलिए चलिए। कहाँ मकान हुआ आपका? बैदा। बैदा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद कलीमुल्लाह नूरानी। अच्छा अच्छा, तो इनसे शादी किया आजाद? निकाह हो गया आप लोगों का? हो गया। मुँह से बोलिए ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हो गया। आप ये बताइए कि इस उम्र में आप शादी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की जोड़ी को सलामत रखे। आप इनकी ज़रूरत पड़ी घर में, कोई काम काज करने वाला नहीं, क्या ये सच है? अबे हाँ ना। हाँ हाँ, कोई ना। हाँ ना, इसीलिए ज़रूरत पड़ा है? बिल्कुल। हाँ चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। परेशानी था, परेशानी ख़त्म होना चाहिए, समझ रहे बात ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये देखिए सम्मा, शादी करके कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा, खुश हो? पसंद है? पसंद है, ठीक है ना? पसंद है, कबूल की पसंद है? हैं जी हाँ। रहोगे हाँ। साथ में? हाँ। चलो ठीक ये ठीक है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्या नाम कौन सी हुआ? रेशमा। रेशमा, चलो ठीक है ठीक। कहाँ जा रही है अभी? बैदा ससुराल। जाओ जाओ बलमा के पास। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا